नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं हूं परेश रावल। मैं आपको एक कोरोना वायरस नाम की महामारी के बारे में कुछ बताने आया हूं। ये वो भयंकर बीमारी है कि दुनिया को पहली बार, जी हाँ पहली बार, अपने आप पर ताला लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी महामारी, ऐसी भयानक बीमारी दुनिया ने कभी देखी नहीं है। और ये वो बीमारी है जो न गरीब देखती है, न धनवान देखती, न हिंदू देखती है, न मुसलमान देखती है, न गोरा देखती है, न काला देखती है। ये वो नहीं देखती कि मैं दिन में दो बार पूजा करता हूँ, या मैं मांस मटन नहीं खाता हूँ, या मेरे पास इतना सारा बैंक बैलेंस है, या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। ये कुछ नहीं देखती। ये हर किसी को मार सकती है, हर किसी को ये मार रही है। इस महामारी से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी, हमें घर में रहना हो। जी हाँ, ये ऐसी लड़ाई है जो घर में बैठ के अब जीत सकते हैं। सिर्फ घर में बैठ के आपको कुछ नहीं करना है, ना आपके घर में कोई आएगा, ना आपके घर से कोई बाहर जाएगा। और हमारी गवर्नमेंट ने जो आपको कहा है, सुझाव दिया है कि घर में बैठे रहिए, जो कर्फ्यू लगा हुआ है बाहर, तो वहाँ अपनी बेवकूफ़ी मत दिखाइए, घर के बाहर मत निकलिए। जब प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया था कि 5 बजे हम तालियां बजाएंगे उन लोगों के लिए, उनका अभिवादन करेंगे, उनके लिए आभार व्यक्त करेंगे जो हमारे लिए सेवाएं बजा रहे हैं, तो कुछ जाहिल लोग सड़कों पे उतर पड़े थे, पिकनिक मना रहे थे। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। आपकी जान को तो खतरा है ही, लेकिन आपके वजह से आपके परिवार की जान को भी बहुत खतरा है। आपके परिवार की वजह से पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को बहुत खतरा है। तो ये बात समझिए, शांति से घर में बैठे रहिए, अपने जो फैमिली वाले हैं उनके साथ बातें कीजिए, टाइम पास कीजिए, जो करना है कीजिए, मेहरबानी करके घर के बाहर मत निकलिए। और बाद में जो कोई लोग बाहर निकलते कहते कि पुलिस हमारे साथ कार्रवाई कर रही है, डंडे मार रही है। पुलिस डंडे मारेगी क्योंकि कानूनन तो आप अपनी जान भी नहीं ले सकते, वो भी अपराध है। तो आपके जरिए अगर किसी दूसरों की जान जाती है तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही। तो पुलिस के बारे में शिकायत मत कीजिए, आईने में देखिए।